था, तब तक मुझे लगता था इंडस्ट्रियल शहर है, बहुत सीरियस लोग होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यार यहाँ का आदमी जो है 24 आवर एक अलग मूड में जाएगी, उतने तुम निखरते चले जाओगे। किताबें शौकन पसंद नहीं करता मैं, यार गुटका है चार। अरे भाई साहब कैसी बातें करो, कानपुर आना मुझे इसलिए अच्छा लगता है, आज सुबह एक साहब के घर में गया, हमने कहा क्या बनाया नाश्ता में, कह गुटका है चार। अरे हमने कहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, केसर वाला है। कानपुर के आदमी के साथ रहकर आप दुखी नहीं हो सकते, हंसाता रहेगा आपको, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा कि आप हंसते रहोगे। इतना प्यारा शहर है ये, इतना प्यारा कि मतलब मैं जिससे भी यहां मिला हूं, जब तक मैं नहीं आया था तब तक मुझे लगता था इंडस्ट्रियल शहर है, बहुत सीरियस लोग होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार यहाँ का आदमी जो है 24 आवर एक अलग मूड में है, वो डरता नहीं किसी से, सबका रिलेशन प्रधानमंत्री से है सीधे। कल हम नाई की दुकान पे थे तो ऐसे साहब से बात हो रही थी, तो ट्रांसफर हो गया था तो बड़ा परेशान था वो आदमी, तो भाई साहब पीछे बैठे थे हमसे, कहा सर मैं करवा दूं, अरे हाँ मैं करवा, सीरियस पीएमओ में बात चल रही। तभी तो हैप्पीनेस इंडेक्स में 10वां नंबर है शायद, हर आदमी हंस रहा है, हर आदमी मस्त है, ऐसी ऐसी बात बोल देगा पढ़ा दी, समझ में आया ना चंपारण। मैंने कुछ रटा थोड़ी आज तक, पहले आप तो जिंदगी के एक भाग में पढ़ाई नहीं की, समझ में नहीं आ रहा था, स्कूल जाओ टीचर होमवर्क नहीं करो, आई विल बीट यू, लो हमें होमवर्क करने के लिए पाता हूं मैं, खेलेगा कौन दर्जा। जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है तो हम लोग के समय शहरों के बीच में होता था, टूर्नामेंट होते थे ना, टूर्नामेंट होते तो कानपुर में हुआ, बहराइच, बलिया, हम लोग टूर्नामेंट खेलते थे, तो आदमी टूर्नामेंट खेले कि होमवर्क करे प्रैक्टिस, और उस समय जैसे आज क्रिकेट का जलवा है ऐसे उस समय भी क्रिकेट का जलवा, हमारे समय में सब अपने आप को गवास्कर समझता था कि आगे बढ़ के पैर निकाल के मारना है फ्लिप उठा के एकदम से, और खेलने में यह था कि भाई ऊर्जा बनी रहती थी, मेहनत होती रहती थी, मजा आता था खेलने में। आप ये जो नई जनरेशन है तो खेलना ही नहीं चाहती, ये तो लैपटॉप गैजेट लिए बैठी है। कक्षा 3 का लड़का कह रहा मैं चाचा मैं आपका मोबाइल हैक कर सकता हूँ, अरे मैंने कहा भाई छोटे छोटे बच्चे हैकर है, हमारा व्हाट्सएप अपने लैपटॉप में ले लिया, वहां बैठ के देख रहा है मेरा व्हाट्सएप, हमें क्या पता कि कैसे लैपटॉप पे आप किसी का मोबाइल पे ले सकते हो, और उसने जो है हमारा व्हाट्सएप स्कैन किया लैपटॉप पे ले लिया, वहां बैठ के देख रहा है। हेला वो स्वीडन से एक मैसेज आया था, तो वो पहले तो मुझे लगा कि अबे इस अरे उसका ध्यान वान करता है क्या ये, तो फिर बताया कि वो अब इजी वेरी इजी। अरे मैंने कहा भाड़ में गए आज क्या मोबाइल ही नहीं रखना जिंदगी में, फिर से वही मंगाना है 3310 नोकिया जो इतना बड़ा मोबाइल था वही लेके चलना, उसका ही था, ये तो डेंजरस है, कोई लोकेशन बता दे रहा कहां बैठे हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ये पढ़ो, पढ़ाई को बोझ मत समझो, मत समझो, क्योंकि पढ़ाई जितनी बढ़ती चली जाएगी उतने तुम निखरते चले जाओगे। किताबें सौतन पसंद नहीं करती, एक बार तुमसे गले लग गई तुमको दुनिया से काट देंगी, कटने की जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ोगे दिन भर वही यहां चलेगा, तो वो तुम्हें खुद ही समाज से काट देंगी, समाज का हिस्सा रहने नहीं देंगी, शाही बना देंगी, और हारने नहीं देंगी, परेशान नहीं होने देंगी, ये सब किताबों के लक्षण है। तो आराम से पढ़ो, तैयारी करो। कल भी मैंने कहा था कि इकरा सोचो मैं यहां आता हूं, अब 2 दिन से मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आया, मैंने कहा नहीं यार मैं आ रहा हूं कानपुर, लोगों ने हल्ला उड़ा दिया कि ओ अन अकेडमी चले गए, अब इकरा में नहीं पढ़ाएंगे। अर्जी अन अकेडमी भी हमारी हो जाएगी 1-2 साल में,
हो ही जाएगी। हमें अब कोई रख रहा है तो अपने रिस्क पे रख रहा है। पता है मैं आदमी ठीक तो हूं नहीं, कोई कह रहा 50 करोड़ ले लिया, कोई कह रहा 100 करोड़ ले लिया। जिसकी नजर कंपनी पे हो वो 50-100 करोड़ लेके करेगा क्या? सीधा किसी से कुछ नहीं, लाइफ तो चल ही रहा है। जिंदगी को कभी टेक्निकल नहीं बनाया, कभी नहीं, कभी आवरण नहीं डाला, ये नहीं करते, यही करते हैं जो तुम सोच रहे हो, यही करते हैं, यही तो। खैर कोई सवाल ही नहीं करता मुझसे, शुरुआत में करते थे, शराब पी, अच्छा फैक्ट्रियां है मेरी है, फ्रांस में फैक्ट्री है 2। यहां के आदमी को बड़ा मजा आता है दूसरे को बदनाम करने में, बहुत इतना मजा आता है जैसे, अरे यहां के आदमियों के कुछ विशेष मजे हैं, उसमें से एक मजा है किसी को बदनाम करना। कोई साहब वीडियो बना के डाले थे उसमें कि 400 करोड़ में बिके अवध हो जा, कोई भेजा था मुझको यूट्यूब पे वीडियो बनाता कि 400 करोड़ में बिके अवध, अवध ओझा को कौन खरीदेगा, मैं ही कब्जा करूंगा। किसी कंपनी में 5 साल रह गया तो मेरी, तो कंपनी को सोचनी चाहिए कि 5 साल से ज्यादा ना रहे मेरे साथ, तो कंपनी के अस्तित्व का खतरा पैदा हो जाता है। दिल्ली कोचिंग में जाओगे तो तुम्हारी फीस खत्म कर देगा, 1 रुपया कोई कम नहीं करेगा, खुद तो कमा रहे पैसा, हमको प्रवचन दे रहे हैं। ये सब काम पैसे के लिए नहीं होते। हाँ तो कमा दो, हमको आदत दे दो, आप हमारे भाई हैं, एक मकान दे दो अपना, रिश्ता बना रहे हो तो प्रूफ भी तो करो, फर्जी क्यों भाई बना रहे हो, व्यवहारिक होके रहो। देखो वो सब क्या बोले, व्यवहारिक होके रहो, लड़ो, संघर्ष करो, ध्यान करो, योग करो, पढ़ाई करो,